दोस्तों पी लिमिटेड जिसे हम लोग फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड के नाम से जानते थे इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 20 जनवरी 2022 को हुई है और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में क्वार्टर थ्री के फाइनेंशियल रिजल्ट को अप्रूव कर दिया गया है और इसके साथ इंटरिम डिविडेंड को भी डिक्लेयर कर दिया गया है तो चलिए पहले हम लोग इंटरिम डिविडेंड के बारे में जानते हैं और उसके बाद मैं इसके क्वार्टर थ्री के फाइनेंशियल रिजल्ट को भी आपको बताऊँगा इस कंपनी ने दस रुपये प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है अगर हम लोग इसके फेस वैल्यू जो दो रुपये प्रति शेयर उससे कंपेयर करें तो ये फाइव हंड्रेड परसेंट होता है और अगर हम लोग इसे करेंट मार्केट प्राइस जो अभी टू थर्टी सिक्स रुपीज़ है इससे कंपेयर करें तो ये फोर पॉइंट टू परसेंट होता है इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट दो फरवरी दो है इसका मतलब ये एक फरवरी 2022 को एक्स डिविडेंड हो जाएगा तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट बनकर आ रहा है वो 31 जनवरी 2022 है अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको ये शेयर 31 जनवरी 2022 तक होल्ड कर रखना है और अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर नहीं हैं और आप इस डिविडेंड को चाहते हैं तो आपको 31 जनवरी तक इस शेयर को बाय कर लेना है मेरे इस शेयर में कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है अब चलिए मैं आपको इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में बताता हूं ये पीसीबीएल के क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है ये सारे फिगर करोड्स में है इस कॉलम में क्वार्टर थ्री के फिगर्स हैं इस कॉलम में क्वार्टर टू के फिगर्स हैं और इस कॉलम में प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री के फिगर्स हैं। इस कॉलम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज ग्रोथ को बताया गया है और इस कॉलम में ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ को बताया गया है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1156 करोड़ है और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 50 परसेंट बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 8.29 परसेंट बढ़ा है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का एबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 168 करोड़ के आसपास है जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 11% परसेंट की गिरावट हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 10% परसेंट की गिरावट हुई है इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर थ्री में वन करोड़ के आसपास है और इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टेन की गिरावट हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नाइन परसेंट की गिरावट हुई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का वन हंड्रेड एलेवन करोड़ है और इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इलेवन परसेंट की गिरावट हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह ऑलमोस्ट नाइन परसेंट गिरा है इस कंपनी में क्वार्टर थ्री का ई पी एस फाइव रुपीज नाइन्टी थ्री पैसा है और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एटीन पॉइंट फाइव परसेंट गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह सिक्सटीन परसेंट गिरा है तो आपने देख लिया अगर हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू को छोड़ दें तो एबिटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन तीनों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही बेसिस पर गिरावट हुई है अब चलिए हम लोग इस कंपनी के मार्जिन को देखते हैं इस कंपनी के एबीटा का मार्जिन क्वार्टर थ्री में 14.5 परसेंट है जो प्रीवियस क्वार्टर में 17.5 परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये ऑलमोस्ट 24 फोर परसेंट था तो अब देखिए एबिटा के मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पे गिरावट हुई है अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर थ्री में ये लगभग 12 परसेंट के आसपास है और क्वार्टर टू में ये 14 परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये ट्वेंटी था तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट आई गि है अगर हम लोग इसके पैट के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का पैट का मार्जिन लगभग टेन है जो प्रीवियस क्वार्टर में एलेवन परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में यह सिक्सटीन परसेंट था तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पर ही गिरावट हुई है तो आपने ये देख लिया कि मार्जिन के फ्रंट पे भी इस कंपनी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पे गिरावट आई है आप देखिए क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का पीसीबीएल के शेयर के प्राइस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और इस शेयर का प्राइस लगभग साढ़े चार परसेंट गिर गया है मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद